अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज से आपके SF1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो क्योंकि SF1 के एग्ज़ाम हैं तो इसलिए जो पेपर है आपका, यानी वो भी आपका बड़ा है, 45 मार्क्स का है और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर की टाइमिंग क्या है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे आप सभी बच्चों को अपनी आंसर शीट की फ़ोटो अपनी अपनी मैडम के पास सेंड करनी है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पेपर सबको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। जहाँ पर स्केल की ज़रूरत है वहाँ पर स्केल का यूज़ करना है। जैसे कि ये जो फिगर्स दी गई हैं जो स्केल से बनेंगी, आपको स्केल से बनानी है। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका छोटी शीट है, यानी आपको पेपर इसमें नहीं करना, आपको अदर शीट में पेपर करना है। क्वेश्चन पेपर में कोई बच्चा नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री। नीचे आपको 4 फिगर्स दी गई हैं, आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। 4 मार्क्स की है, यानी 4 फिगर एक एक नंबर की हैं। उसके बाद है, ड्रॉ अदर लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें भी आपको सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ऊपर वाले में भी सिमेट्री लाइन आपको बनानी है, नीचे भी बनानी है, लेकिन ऊपर सिंगल लाइन यूज़ करनी है और नीचे अदर लाइंस यूज़ करनी है। डबल भी हो सकती हैं, ट्रिपल भी हो सकती हैं। और ये है 6 मार्क्स का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स विद स्केल। आपको स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। ये देखिए, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर नहीं है, 5.5 सेंटीमीटर है, पॉइंट लगा लीजिए बीच में, यानी 5.5 सेंटीमीटर। 6 मार्क्स की है ये, स्केल का यूज़ करना है। पेंसिल शार्प कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल दिया गया है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये 4 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ऐड द फॉलोइंग। आपको इसमें ऐड करनी है, एडिशन करना है, जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, जैसे सिंपल आप एडिशन करते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, 4 मार्क्स के हैं ये चारों, आपको इन्हें फिल करना है। अगर आप अपनी आंसर शीट में सिर्फ आंसर भी लिख देंगे इसके तो भी चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऐड द फॉलोइंग। आपको इसमें ऐड करना है, ये ना 31 नहीं है, ये 3 लीटर है, ठीक है। 3 लीटर 170 मिलीलीटर एंड 5 लीटर 640 मिलीलीटर। सेकंड है 10 लीटर 456 मिलीलीटर एंड 8 लीटर 246 मिलीलीटर। इसमें भी आपको ऐड करना है। पहले आपको इस तरीके से इन्हें लिखना है, उसके बाद आपको ऐड करना है। कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है, किसी को भी नहीं लिखना है डायरेक्ट आंसर, आपको पूरा ऐड करके दिखाना है इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें माइनस करना है, सिंपल जैसे आप करते हैं आपको आती है सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से। अब है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टोटल वेट। यहाँ आपको वेट दिया गया है, आपको इन्हें ऐड करना है और टोटल करके यहाँ लिखना है। जैसे 500 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम एंड 50 ग्राम, आपको इनको टोटल करना है और लिखना है। लेकिन आंसर आपको यहाँ नहीं लिखना, आंसर शीट में लिखिएगा। उसके बाद ये मैथ्स का पेपर आपका 45 मार्क्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है मेंटल मैथ्स, ये 15 मार्क्स की है मेंटल मैथ्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संतरे की कीमत 3 रुपये है, तो बताइए दो दर्जन संतरे कितने रुपये के आएंगे। एक संतरे की कीमत दी गई है, आपको 2 दर्जन संतरों की कीमत बतानी है। नेक्स्ट है सेकंड, स्कूल में एक कमरे में 3 पंखे हैं, यदि स्कूल में 25 कमरे हैं तो बताइए सभी कमरों में कुल कितने पंखे हैं। स्कूल में एक कमरे में बताया गया है कि 3 पंखे हैं, आपको बताने हैं कि अगर इसी तरह 25 रूम्स हैं, 25 कमरे हैं, तो उनमें टोटल कितने फैंस होंगे, कितने पंखे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 20 बसों में 1600 बच्चे बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। 20 की बताई गई है कि 20 बसों में तो 1600 बच्चे बैठ रहे हैं, 1600, आपको बताना है कि एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। ज़्यादा वाले में से कम निकालना है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक किताब 47.75 रुपीज़ की आती है, यानी 47.75 रुपये की आती है, तो 100 किताबें कितने रुपये की आएंगी।
नेक्स्ट है 5 फरवरी के महीने में लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष में फरवरी का महीना आ रहा है तो उसमें टोटल कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है 6, 1 किलो सेब की कीमत 40 रुपये है तो 7 किलो सेब की कीमत क्या होगी, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ईजी है, सिर्फ आपको पढ़ना है और सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट है 7, घड़ी में कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक साइकिल 2500 रुपीस की आती है, यानी 2500 रुपये की, 2500 रुपये की आती है, तो अगर आपको 7 साइकिलें ख़रीदनी है, 7 साइकिल्स, तो आप कितने रुपये में ख़रीदेंगे, आपको कीमत बतानी है। नेक्स्ट है, समीर के पास 4000 रुपये हैं, उसने 3800 रुपये का मोबाइल ख़रीदा तो दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा। समीर के पास टोटल 4000 रुपीस है, 3800 का उसने मोबाइल ख़रीद लिया, आपको बताना है, यानी उसने 4000 रुपीस दिए दुकानदार को, आपको बताना है कि दुकानदार कितने रुपये वापस करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल में 990 बच्चे हैं जिसमें 365 लड़कियाँ हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 990, और 365 गर्ल्स हैं, आपको बॉयज़ बताने कि बॉयज़ कितने हैं स्कूल में। बाकर रोज़ाना 12 पेज लिखता है, कितने पेज लिखता है, 12 पेज लिखता है, बताइए पिछली फरवरी में उसने कितने पेज लिखे। पहले आपको पता होना चाहिए कि फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि उसने फरवरी के महीने में कितने पेज लिखे हैं। 12 है, 31 दिन के कुल कितने महीने हैं, आपको पता है ना फरवरी के महीने में 28 या 29 डेज होते हैं, बाकी के जो जितने भी मंथ्स हैं उसमें 30 या 31 डेज होते हैं, तो आपको 31 दिन वाले कुल महीने बताने कि 31 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं, नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ टोटल उनकी वो बतानी है कि टोटल कितने होते हैं। एक कप कॉफ़ी 10 रुपये की है, फरीद ने 18 कप कॉफ़ी खरीदी, बताइए उसे कितने रुपये खर्च करने होंगे। एक कप की कॉफ़ी की कीमत दी गई है 10 रुपये, और अगर फरीन 18 कप कॉफ़ी खरीद रही है तो आपको बताना है कि वो कितने रुपए खर्च करेगी। अब है नेक्स्ट 14, ये पैटर्न्स हैं, आपको देखना है और सही पैटर्न पर आपको टिक लगाना है। ये आप कॉपी में एज इट इज़ बना सकते, सॉरी अपनी आंसर शीट में एज इट इज़ बना सकते हैं। विच पिक्चर ऑन द राइट बेस्ट फिट इन टू द स्पेस इन द ग्रिड ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर स्पेस दिया गया है, आपको इसे फिल करना है, जो भी इसमें से राइट पिक्चर है ना आपको यहाँ वो बनानी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये आपको पैटर्न दिया गया है और ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सी पिक्चर आएगी, आपको इन 4 में से आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पर बनानी है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पेपर में क्या करना है। मैथ्स का पेपर 45 मार्क्स का है, मेंटल मैथ्स का पेपर 15 मार्क्स का है, मैथ के पेपर को आपको हर चीज़ को सॉल्व करना है, यानी हर चीज़ को आप सॉल्व करके लिखेंगे, आपको कहीं पर भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में सभी बच्चों को करना है, जहाँ पेन से लिखना है वहाँ पेन का यूज़ कीजिए, जहाँ आपको स्केल की ज़रूरत है वहाँ स्केल का यूज़ कीजिए, लाइन ड्रॉ आपको पेंसिल से करनी है, पेन से नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।